न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहने वाली रेवाड़ी नगर परिषद एक बार फिर पार्कों के ठेकों को लेकर सुर्खियों में आती दिखाई पड़ रही है। दरअसल रेवाड़ी के महाराणा प्रताप चौक स्थित नेहरू पार्क सुधार समिति के सदस्यों ने पार्कों की देखभाल के लिए छोड़े गए ठेकों को लेकर बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। इसे लेकर समिति सदस्यों की एक बैठक नेहरू पार्क में बुलाई गई। बैठक में समिति पदाधिकारियों ने इस मामले में अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। समिति के चीफ पैटर्न महेंद्र छाबड़ा की माने तो सरकार ने पार्कों में चल रही धांधली और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक योजना बनाई थी, जिसके तहत पार्कों में रखरखाव के लिए ठेके दिए जाने थे, लेकिन ये ठेके ऐसे व्यक्ति को दे दिए जो अन्य पार्कों में समिति बनाकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति को 5-5 ठेके तक दे दिए गए, जो कि बड़ी ही हैरान करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि अगर ठेका ही देना था तो पहले समिति से सुझाव लेने चाहिए थे, लेकिन हैरानी देखिए, ठेका छोड़ने के बावजूद पार्कों में सफाई तक नहीं हो पा रही है और पार्कों में चारों तरफ गंदगी का आलम है। समिति सदस्यों ने इस मामले में एक शिकायत सीएम विंडो को देकर ये ठेका रद्द करने और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने पार्कों में चल रही धांधली और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योजना बनाई थी कि पार्कों का ठेका पार्कों में समिति बनाने के बाद पार्कों को दिया जाए, लेकिन रेवाड़ी में एक बड़ा घोटाला नजर आया है। नेहरू पार्क सुधार समिति जो 3 वर्ष से लगातार पार्क की देखरेख कर रही है, वह पार्क जो शहर के महाराणा प्रताप चौक पर ब्रास मार्केट के निकट है, उस पार्क की देखरेख का ठेका 8,46,000 रुपए में एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जो शहर के अन्य पार्क में समिति बनाकर चला रहे हैं। और हैरानी की बात यह कि एक व्यक्ति को, एक अन्य समिति को 5 ठेके दे दिए गए। इस तरह से हरियाणा सरकार कैसे भ्रष्टाचार रोक पाएगी? और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस ठेका छोड़ने के बाद जो कर्मचारी वहां सफाई के लिए आ रहे हैं, वह किसी तरह की वहां पर सफाई नहीं। आप पार्क में जाके देख सकते हैं, चार ओर गंदगी फैली हुई है। कोई पार्क की जो समिति है, कम से कम उनको ठेका मिला था तो जो पार्क की समिति देखरेख कर रही है उनसे मिलना चाहिए था, कर्मचारी उनके अंडर देने चाहिए थे कि आप ये काम करिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हरियाणा सरकार ने जानबूझ के ऐसा किया है कि एक व्यक्ति को 5 ठेके दे दिए। और सरकार इस तरीके से कैसे भ्रष्टाचार रोक पाएगी? या गलती से ऐसा हुआ है? सरकार को तुरंत कदम उठाते हुए नेहरू पार्क समिति के सदस्य इस बात से काफी नाराज है कि सरकार जो भ्रष्टाचार रोकने की बात कर रही थी, इससे तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। इस विषय में जांच होनी चाहिए। नेहरू पार्क समिति ने आज सीएम विंडो पर यह शिकायत दर्ज करा दी है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी यह बात लाई जाएगी कि जो ठेका गलती से छोड़ा है या जानबूझकर लिया गया है, इसकी जांच की जाए और तुरंत इस ठेके को रद्द करके नेहरू पार्क सुधार समिति जो 3 वर्षों से पार्क की देखरेख कर रही है, यह ठेका उनको दिया जाए। धन्यवाद। डीसी साहब ने इस पार्क में समिति बनवा दी, हमारी मार्च में रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद ये ठेका दूसरे को क्यों दिया गया? हम ये कहते हैं इस पार्क में जब तक इस समिति को ठेका ना दिया जाए, जब तक पार्क नेहरू पार्क समिति जो पिछले 4 महीने से अपने पैसों से पार्क की देखरेख कर रही है, आगे भी करती रहेगी, सरकार का यह पैसा बर्बाद ना किया जाए। क्योंकि आज 10 दिन हो चुके हैं ठेका दिए, पार्क में गंदगी का आलम है, पहले से ज्यादा गंदगी, कोई सफाई नहीं हो रही, तो ये पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? और ये प्रथा किस तरह से सरकार लाई है कि जब एक पार्क की समिति को ठेका देना चाहिए था, पहले ही एक ठेकेदार था, अब तो एक को 5-5 ठेके दे दिए गए। हम इस सब तब इस काम की निंदा करते हैं। तो महेंद्र छाबड़ा जी ने कहा कि ये जो नेहरू पार्क समिति को ये ठेका देना चाहिए था, और ये नहीं है कि एक कंपनी को ठेका दे दिया जाए या एक ही समिति को ठेका दे दिया जाए। अगर वो रजांगला पार्क समिति को अगर ये ठेका दिया गया है तो उन्हीं को एक रजांगला पार्क ही देना चाहिए था, जबकि नेहरू पार्क समिति यहाँ पर है और यहाँ के लोग आ रहे हैं और उसके बाद भी एक किसी और समिति को ये ठेका दे दिया, ये गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं।